नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज से आपके लिए एक नई वेब सीरीज शुरू हो रही है, सॉरी चेस की ओपनिंग सीरीज। तो ओपनिंग सीरीज का नाम है द रुई लोपेस। इस बुक का नाम है डेंजरस वेपन द रुई लोपेस। डेंजरस वेपन क्यों कहा गया है कि दोनों ओर से इसमें शुरुआत से ही फाइट टू फिनिश वाला माहौल हो जाता है, मतलब अटैकिंग लाइन बहुत स्टार्टिंग से जो भी अटैकिंग प्लेयर्स है उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। रुई लोपेस शुरू कहाँ होती है उसके बारे में पहले हम डिटेल में देखेंगे, फिर मूव बाय वन मूव जैसे हमने नेसडोर्फ के सारे वेरिएशन आपको तैयार करके दिए है, ऐसे ही अब रुई लोपेस के वन बाय वन सारे वेरिएशन आपके सामने हाजिर होंगे। आज ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन में टाइम जाएगा, लेकिन बोर मत होइए क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन आप समझ लेंगे तभी इस ओपनिंग को पूरी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द सीरीज ऑफ डेंजरस वेपन रुई लोपेस। अब डेंजरस वेपन किस लिए कहा जाता है, इसके कुछ रीजन्स है कि इसमें पहला रीजन है मूव दैट क्रिएट कॉम्प्लेक्स ओरिजिनल पोजिशन फुल रिजर्व टैक्टिक्स अटैक। बहुत सारे अटैक इसमें आते हैं, पहले ही मुंह से क्रिएट होता है। दूसरा जो रीजन है कि जब भी आपने पहले जितने मूव्स इग्नोर किए हैं इस ओपनिंग के बारे में, वही मूव फिर से आपके सामने वेपन होके तैयार हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप के मूव देखने को मिलेंगे आपको इसमें जो रेयरली यूज होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही सर्चिंग करके मूव्स बनाए हैं। तो ये ओपनिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और टूर्नामेंट में आपको कुछ न कुछ गोल दिखाएगी। तो दूसरी बात है डेंजरस वेपन फॉर होम, मतलब किसके लिए ये डेंजरस वेपन है। ये दोनों साइड से डेंजरस वेपन है क्योंकि दोनों साइड से अटैकिंग लाइन है ये रुई लोपेस। अब चैप्टर वन, आज हम देखेंगे चैप्टर वन जिसका नाम आप बुक में दे सकते हो द आरोनियन वेरिएशन। आरोनियन वेरिएशन, सबसे पहले रुई लोपेस के बारे में स्टार्टिंग में बताता हूं। e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप b5, ये है दोस्तों रुई लोपेस। यहां से शुरू होते हैं अलग अलग वेरिएशन, लेकिन मेन लाइन सबसे पहले हम देखेंगे आरोनियन वेरिएशन। ब्लैक यहां पे a6 रिप्लाई देते हैं और ज्यादातर a6 खेलते हैं, 90% गेम में a6 खेला गया है। यहाँ पे बिशप a4 ये वाइट का रिप्लाई है। आप दोनों तरीके से दोस्तों दोनों साइड से ये ओपनिंग तैयार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये स्पेशली मैंने ब्लैक के लिए बनाई है या स्पेशली वाइट के लिए ये ओपनिंग तैयार की है। आप दोनों साइड से खेल सकते हो इसमें, वाइट और ब्लैक दोनों, क्योंकि पोजीशन दोनों की साइड से अटैकिंग रहेगी। तो बिशप a4 के बाद नाइट GE7 ये मूव होता है आरोनियन वेरिएशन में। दूसरा जब भी कोई वेरिएशन आएगा तो हम देखेंगे आगे वन बाय वन सारे वेरिएशन में दोस्तों सिखा दूंगा आपको, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए क्योंकि हर दूसरे दिन मेरा एक वीडियो अपलोड होता है ताकि सीरीज में आप एक भी वीडियो मिस नहीं करें। NGE7 के बाद कैसल, यहां व्हाइट करेगा कैसल। फोर्थ मूव में व्हाइट ने कैसल किया तो यहां पे ब्लैक G6 खेलता, लेकिन ब्लैक को भी यहां पे अलर्ट रहना होगा फोर्थ मूव के बारे में। जब आप NGE7 करते हो
व्हाइट अगर नाइट सी थ्री करता है, अगर व्हाइट नाइट सी थ्री करता है तो जी सिक्स यहां पे थोड़ा डेंजर रहेगा ब्लैक के लिए, क्योंकि जी सिक्स के बाद तुरंत डी फोर आता है, इनटू डी फोर और नाइट डी फाइव, और थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर प्रेशर रहेगा यहाँ पे, नाइट एफ सिक्स चेकमेट की थ्रेट और बहुत सारे अच्छे मूव्स व्हाइट को मिलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों खास, कि अगर व्हाइट यहाँ पे एन सी थ्री करता है तो तुरंत आपको जी सिक्स नहीं करना है। यहाँ व्हाइट अगर शॉर्ट कैसलिंग करता है इस पोजीशन में, तब आपको जी सिक्स करना है। जी सिक्स के बाद व्हाइट खेलेगा सी थ्री, और यहां आपको रिप्लाई देना है बिशप जी सेवन, व्हाइट एच थ्री। यहां पे मूव ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, कई बार व्हाइट डी फोर भी प्लानिंग में खेल सकता है, आफ्टर ईडी फोर सी डी फोर देन बी फाइव बिशप बी थ्री देन कैसलिंग और नाइट सी थ्री। और डी सिक्स और एच थ्री, तो ये आपकी पोजीशन में वापस आ सकते हैं, मूव ऑर्डर बदल के ये पोजीशन आती। तो यहां पे मैंने पहले एच थ्री बताया, बिशप जी सेवन और एच थ्री। तो एच थ्री अगर व्हाइट डी फोर करता है तो भी पोजीशन तो वहां जाके रुके जाएगी, ब्लैक बी फाइव करेगा बी बी थ्री और यहाँ पे डी फोर और एक्सचेंज होने के बाद पोजीशन सेम हो जाएगी। एस थ्री के बाद ब्लैक को करना है यहाँ पे कैसलिंग, कैसलिंग के बाद व्हाइट खेलेगा डी फोर और यहाँ पे आपको खेलना है बी फाइव। याद रखिए पॉन एक्सचेंज करने से पहले बी फाइव आफ्टर बिशप बी थ्री सी इंटू डी फोर सी इंटू डी फोर और यहां पे ब्लैक डी सिक्स नाइट सी थ्री नाइट ए फाइव बिशप पे अटैक। और यहां रुई लोपेज में ज्यादातर आपको बिशप जो स्ट्रांग बिशप है लाइट स्क्वायर का वो देने की जरूरत नहीं, यहां पे बिशप सी टू कर देना एक बार खास। ब्लैक सी फाइव करेगा और यहां पे आर ई वन, 13 मूव हो गए व्हाइट के, और ये पोजीशन से बहुत सारी गेम्स आपको देखने को मिल जाएगी और दोनों साइड से बहुत ही अटैकिंग गेम है। आप ब्लैक की ओर से भी खेल सकते हो, व्हाइट की ओर से भी खेल सकते हो। तो कोई भी पर्टिकुलर आपको तैयारी करनी है तो ये लाइन अगर आप तैयार करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट दोनों की लाइन इसमें है। लेकिन ई फोर ई फाइव अगर सिसिलियन खेलना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, नेसडॉर्फ वेरिएशन है, मोरा गैम्बिट है व्हाइट से, ब्लैक से नेसडॉर्फ मैंने बनाया है सिसिलियन में बहुत ही डीपली, वो आप भी तैयार कर सकते हो। और अगर आप ई फाइव प्लेयर हो, बहुत सारे लोगों की च्वाइस होती है कि मैं पहली मूव से ई फाइव करूं, तो ई फाइव अगर आप प्लेयर हो तो आपको ये लाइन जरूर देखनी चाहिए, वन बाय वन सारे वेरिएशन आपको देख देने हैं। अगर आप ई फोर प्लेयर हो तो भी ये लाइन आपको खास देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ई फोर प्लेयर हो, जैसे कि आपने ई फोर खेला तो आपके सामने वाला ई फाइव प्लेयर कोई आ गया, तब आपको ई फोर ई फाइव में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नाइट एफ थ्री नाइट सी सिक्स और बी बी फाइव करके आप रुई लोपेज खेल सकते हो।
तो दोस्तों खास मैंने आप लोगों के लिए ब्लैक और व्हाइट दोनों की ओर से मैंने ये ओपनिंग तैयार की है, इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, वन बाय वन सारे वीडियो देखिए। और ये ओपनिंग बहुत ही जबरदस्त है, खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, शुरुआत से फाइट टू फिनिश वाली लाइन खेलते हैं, इसमें ड्रॉइस लाइन बहुत ही कम है, अटैकिंग लाइन है, रिजल्ट जरूर आएगा। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन खास प्रेस करके रखिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय गुजरात।